यहाँ पे देख रहे हैं एक छोटी सी बच्ची है जो निप्पल से दूध पी रही है, एकदम नवजात है, सिर्फ 5 दिन की निप्पल से दूध पी रही है, क्योंकि इसकी माँ नहीं है। माँ ने, कथित माँ ने इसको सड़क किनारे फेंक दिया। किसने फेंका वो तो बाद की बात है, जो लोग जानते होंगे कमेंट करके बताएं कि किस कंडीशन में इसका जन्म हुआ होगा और किस कंडीशन में सड़क किनारे मिली है, और उस सड़क किनारे से उठा करके अपने घर लाने वाले ये लोग हैं, ये माता जी हैं जो जसोदा माँ का किरदार निभा रहे हैं इस बच्चे के साथ में, और ये पिताजी हैं जो नंद बाबा का किरदार निभा रहे हैं। आप लोगों से बातें करेंगे, कब मिली और कितना दिन हुआ इसको मिले हुए? इसको आज 5 दिन हो गया, सुबह को 5:30 बजे मिली थी हमको। अच्छा, क्या करने गए थे सुबह? घूमने? सुबह हम घूमने नहीं जाते, लेकिन उस समय हमारे दो दोस्त थे, वो जबरदस्ती हमको लेके गए, कहते हैं चलो चलो। क्या बोले कि एक लड़की मिली है तो चलो दिखाते हैं? ना ना, ऐसा कुछ नहीं बोले। यहाँ किसी को नहीं पता था कि वहाँ एक बच्चा पड़ा है। यहाँ हम चाय पी रहे थे, चाय की दुकान से हमको जबरदस्ती लेके गए, कहते हैं चलो ठंडा मौसम है चले घूम आते हैं। हम कहे चलो, अब ऐसी बात है आज निकल ही जाते। सुबह के टाइम गए, पूर्वांचल एक्सप्रेस के बगल में एक छोटा सा पुल है, वहीं वो लोग बैठे 2-4 मिनट, उसके बाद वापसी में ये बच्चा दिख गया उन लोगों को, हमको भी नहीं दिखा, उनको दिखा। रो रहा था क्या? किस? रो नहीं रहा था, एक बोरी पर लिटाया हुआ, कंबल से ढका हुआ पड़ा था। तो उन्होंने बताया कि देखो वहाँ एक बच्चा पड़ा है। तो हम कहे उनसे चलो खोल के देखते हैं, कहते हैं नहीं रहने दे, क्यों फंस रहा है, बल्कि हम कहे नहीं। अच्छा, वो लोग बोले कि फंस जाएगा? हाँ, कहते हैं फंस जाओगे, कोई फायदा नहीं, चलो यहाँ से। तो उसके बाद हम देखे जो है, हम नहीं आए, उनको जबरदस्ती ले जाकर खड़ा करवा के बगल में एक लकड़ी से चादर हटाए, तो देखो ये जिंदा थी, उसके बाद घर लेके चले आए। तो रो रही थी कि हिल रही थी? बिल्कुल नहीं, ना हिल रही थी ना रो रही थी, बिल्कुल बेहोशी हालत में। तो आपने टच करके देखा कि जिंदा है? लकड़ी से जरा से इसको टच किया, जब कंबल हटाया तो हिलने लगी। हाँ, तो आप लेके चले आए? उसके बाद लेके चले आए। वहाँ पे बहुत सारे लोग, आप कह रहे हैं किसी की हिम्मत नहीं होगी इस बच्चे को हम अपना नाम दें? ना ना, किसी को हिम्मत नहीं। सब शादीशुदा थे, कुंवारे थे? शादीशुदा थे, दो बच्चे छोटे छोटे थे बिल्कुल। हाँ, वो लोग भी नहीं एक्सेप्ट किए, मतलब एक कहेंगे कि एक बहुत बड़े जिसके पास हृदय रहेगा वही इसको ले सकता है, और एक माँ है जो उस बच्चे को पाल रही है। क्या नाम हुआ आपका? रागिनी। का आप बच्ची के कितने बच्चे हैं आपके? अभी दो बच्चे हैं। दो बच्चे हैं, अभी तीन बच्चे हो गए? तीन बच्चे हो गए। कितने मतलब लड़का लड़की का कौन कौन है? दो लड़की एक लड़का हो गए। अब हो गए, चलिए बढ़िया है, इधर सो गई है। इतनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, ऐसा सुनने में आया है कि इसका पैर भी सही अवस्था में नहीं था? जी नहीं था, जब वहाँ से लेके आए तभी पैर टूटा था। अच्छा, पैर टूटा हुआ, तो आप देखिए मतलब कैसे हो रहा है? पैर उड़ जा रहा था पेट की तरफ। हाँ, तो फिर डॉक्टर को दिखाई आप? जी डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर कहाँ दिखाई? डॉक्टर को माहुल। अच्छा, तो क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर बोले कि ठीक हो जाएगा। अच्छा, प्लास्टर लगा हुआ है अभी? प्लास्टर लगा हुआ है, डॉक्टर बोले कि हम फ्री में इलाज करेंगे। अच्छा, फ्री में इलाज करेंगे? जी। लड़की किस्मत वाली है भाई, इसका पैर देखिए। जिन लड़कियों के कहते हैं कि ये अंगूठे से पैर बड़ा होता है, वो लड़कियाँ किस्मत वाली होती हैं, और इसका देखिए अंगूठे से बड़ा है ना। तो आपकी आपके घर में एक लक्ष्मी आई है, नाम क्या रखा है आपने? लक्ष्मी रखे हैं। लक्ष्मी रखे हैं, और सब लोग दुर्गा कह के बुलाते हैं। अच्छा, इसको जन्म तिथि बनवा रहे हैं, उस पे तो लिखा है लक्ष्मी। अच्छा, स्कूल का नाम रहेगा लक्ष्मी, घर के सब लोग बुलाएंगे दुर्गा। ये बढ़िया है। एक प्रोसेस होता है, प्रधान से पुलिस में जा करके उसको अडॉप्ट करना होगा, तो ये सारी चीजें आपने करवा ली? प्रधान ने साइन करवा के सबको जो है यहाँ करवाए जो है साइन, उसके बाद पर्चा बना के हमको भी दिए हैं, कहते हैं प्रमाण पत्र है इनका। हाँ, ये आपकी है? हाँ, ये अच्छा, ये चीज़ें होती है कि जब एक नवजात सी बच्ची है तो सियार कुक्कू कुत्ते उस जगह पे इस बच्ची के आसपास में थे या फिर जो है कि? थे तो नहीं, लेकिन हो सकता है अगर और 2-4 घंटे पहले रखे होते तो इनको उठा ले जाते, क्योंकि इनके जिस समय हम वहाँ पहुँचे तो इनके जो है गर्दन वर्दन पे चूटियाँ लगना शुरू, हाँ चुटियाँ काटने शुरू कर दी थी, लेकिन फिर भी बच्ची नहीं रो रही, बिल्कुल भी होश पड़ी थी। चींटी उठे लगा था पूरा एकदम? चींटी यहाँ करीबन 5-6 चींटियाँ थी जो काट रही थी। बताइए, सुन करके एकदम हृदय विदारित हो रहा है, और कैसे किसी ने इस तरह से रखा होगा? आसपास में किसी की इस तरह घटना खबर मिली है कि इस तरह का कोई चोरी का था या फिर किसी का नाजायज था, किसी का बच्चा पैदा हुआ, इस तरह कोई चीज आपको सुनने में आसपास में मिली? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सुनाई दिया, कोई पता भी नहीं चल पाया कि किसका रहा होगा। नहीं, ये तो अभी नहीं क्या पता लगता है, कहीं दूर से आकर कि किसी ने रखा होगा यहाँ पे या फिर आसपास का ही होगा? अभी क्या पता दूर का है या नजदीक का है, बस हम उनको जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि अब इन बच्चे को हम ही पालना है। हाँ, अब उनके बारे में हम जानना नहीं चाहते, वो कहाँ के हैं, यहाँ के हैं या दूर के हैं, बस अब इनकी देखभाल हमको करना, बस यही हमको पता है।
बड़ी दयनीय स्थिति है यहाँ पर। ये गरीब परिवार है, इनका घर हम आपको दिखाएं तो आपका घर, ये पूरा आपका ही घर है? हाँ, ये घर हमारा ही, हमारे पिताजी बनवाए हैं तीनों रूम। हाँ, हाँ जी, तो ये तीनों आपके मतलब आप ही लोग रहते हैं तीनों? हाँ, में तीनों में हम लोग रहते हैं, हम तीन भाई हैं। अच्छा, हाँ जी। तीन भाई को तीन रूम है? तीन, अच्छा, वहाँ पे एक लोग का, यहाँ पे एक लोग का, आपका आपका ये है? हमारा यही है। बताइए, ये छोटा सा घर है इनका और इसी रूम में सब कुछ होता है? इसी रूम में सब कुछ होता है। ये वेटिंग मशीन आपने रखा हुआ है किस लिए? ये हम कोटेदार के साथ राशन बांटते हैं, महीने में करीबन 4-5 दिन उनके यहाँ काम करते हैं, राशन बंटवाते हैं। इसी में सोना का, थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा इस रूम को दिखा दें, कितना ही छोटा सा रूम है, इसी में खाना सोना बनाना, खाना कहाँ बनाते हैं? खाना बाहर बना लेते हैं और बारिश, यहाँ पे बारिश के टाइम पे तो बड़ा दिक्कत होता है, बारिश होती है तो यहाँ बना लेते हैं, नहीं तो गैस भरा लेते हैं। बारिश के टाइम नहीं रहती है तो यहाँ पे खाना बनाते हैं। और इस छत पे जाने का ये तरीका है, यहाँ पे इस छोटा सा एक रूम है और इसी में एक बेड रखा हुआ है, कूलर है, एक ड्रम है जिसमें आप अनाज रख सकते हैं, बर्तन है, श्रृंगारदानी है जो अपने साथ में लेकर के आई होंगी, कथरी वगैरह है, इसी पे सोना, जागना, उठना, बैठना। आप करते क्या है? आपके पास तीन बच्चे हो गए, बड़ी जिम्मेदारी होती है, किसी के बच्चे आप लेके आए वो भाव भाव में तो वो तो हो गया, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी होगी। अभी तो 5 दिन हुआ है इसको, पूरी जिंदगी बची है, शादी ब्याह पढ़ाना लिखाना, ये सारी चीजें कैसे करेंगे? आपकी स्थिति बड़ी दयनीय लग रही है। हो जाएगा, क्योंकि हमसे भी गरीब है, जिनके पास छप्पर भी नहीं है, उनको भी तीन तीन चार चार बच्चे होते हैं, वो भी अपना करते हैं, कहीं कोई ज्यादा में करता है, कोई कम में करता है, उसी तरह हम भी इनका करेंगे, जहाँ तक कोशिश करेंगे इनको आगे ही ले जाएंगे। अब तो यहाँ के प्रधान और जो सांसद विधायक होते हैं, ये लोग कुछ सहायता हेल्प कर रहे हैं जो इधर के थोड़ा अमीर धनाढ्य लोग हों? अभी तो ऐसा कोई नहीं, लेकिन ना ढेर 700-800 रुपये इनके यहाँ आने पे मिले थे, कुछ लोग आए थे 100-150 करके दे के गए, 700-800 रुपये हुआ, जो कि हमने इनका चुल्ला उल्ला बनवा दिया, वे भी कल पहने की। हाँ जी, बाकी प्रधान जी कल छठी करेंगी? कल छठी दिन छठी की पूजा करेंगी जी, कल छठी। ये बढ़िया है, छठी छठी पूजा होता है वो, मतलब विधि विधान से पूरा एकदम बच्ची को पालना है जी। जैसे तो छठी करने के लिए तो बच्ची को अंदर लेके रखना होता है, तो फिर आप तो बाहर घूम रही हैं? अब बाहर नहीं, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, जब कोई आ जाएंगे तो बाहर तो हमको निकलना ही पड़ेगा। हाँ, अगर छठी करनी होती तो कोई माँ इस तरह से या फिर कोई लोग जो है कि कैसे ही बाहर में रखते। आपके माता पिता कहाँ पर है? हमारे माँ बाप वहाँ चाय बेच रहे हैं। अच्छा। हाँ, चाय की दुकान एक छोटी सी करवाया था उनको बहुत पहले, उसी में अपना वो लोग रहते हैं। अच्छा, वो वहीं सोते भी हैं, वहीं रहते सोते भी हैं, वहीं रहते भी हैं। आप काम क्या करते हैं? हम राजगिरी काम करते हैं, करीबन 500-600। हाँ, जोड़ने का 500-600 रुपये एक दिहाड़ी है अपनी, महीने में 15-20 दिहाड़ी आराम से लगा लेते हैं, उसी में गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, इस बच्ची का आपने नाम दुर्गा रखा हुआ है और इसका बड़ी शोचनीय स्थिति है, जिस तरह से आप वीडियो में देखते हो उससे कहीं ज़्यादा बुरी कंडीशन इस बच्ची की है। और जिस तरह से भाई साहब बता रहे हैं कि चीटियां रेंग रही थी, पैर टूटा हुआ था, ऊपर की तरफ चला जा रहा था, उसके बाद उस कंडीशन में लेना, मतलब कि ये वजह रही होगी कि किसी को पुत्री पाप पैदा हो गई, इस वजह से किसी ने बाहर में इस तरह से रख दिया। ऐसा तो 1% चांस है, किसी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 5-5, 6-6 लड़कियां हैं, बच्चे के लड़के के इंतजार में, तो वो इस तरह का नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है ये चोरी का ही राह होगा, गलती उस पुरुष की है जिसने इसको आने का सबब तो बना लेकिन इसको अपना नाम ना दे सका। क्या कहेंगे, आपको भी लगता है कि ऐसा ही होगा? जी, हम कुछ नहीं कहेंगे। कहेंगे नहीं अलग बात है, लेकिन हकीकत हमको लगती है कि यही होगी, 99% की हकीकत यही होगी। उस पुरुष की गलती सबसे ज़्यादा है जिसने इसको स्वीकार नहीं किया, इसको अपना नाम देने योग्य नहीं हुआ, लाने का सबब इस दुनिया में बन गया। लेकिन जिसने भी पैर तोड़ा और इस तरह मरने के लिए छोड़ा, वो भी काफ़ी निंदनीय है, काफ़ी ही दुखद है। एधार हो रही है। आपके आस पड़ोस के लोग क्या कर रहे हैं, सास ससुर क्या कर रहे हैं? सब कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किए हो, सब बहुत बधाई दे रहे हैं, बहुत शाबाशी दे रहे हैं। हाँ, हाँ, यही हमारी माता जी है। आपको नई पोती मिली है? हाँ। कैसा लग रहा है, खुशी है? खुशी है हमारे सबके। आपको भी खुशी है? हाँ। क्या लगता है कैसी कंडीशन में मिली, किस कंडीशन में फेंकी गई रही होगी? अब कैसे बताए कैसे फेंके से, अब ओकरे ऊपर जो है दबाव पड़ा हो, चाहे जैसे पड़ा हो, तब तो फेंके से। माए थोड़ी फेंके हुई, मातारी ना फेंके, बाप फेंके भाई ना। हो सकता है कि चोरी करा हो, बाप ने स्वीकार ना किया हो, पता चला हो उस लड़की को लेट में, इस वजह से इसको पैदा करना पड़ा हो। अब देखा कैसे फेंके सब का मने देखा। ऐसे ऐसे लोगों कुछ कहना चाहेंगे कि जो मतलब कि शौक शौक में प्यार तो कर लेते हैं लेकिन जब बच्चा होता तो उसको स्वीकार नहीं करते, सड़कों किनारे उसको फेंक देते हैं, कुछ कहेंगी?
अब आप कुछ कहेंगे ऐसे लोगों को, क्योंकि आप एक पुरुष हैं और पुरुषों को कुछ सलाह देना चाहेंगे? उन लोगों के लिए हम यही कहेंगे जो सड़क पे फेंक देते हैं जानवर या चींटी या कुछ भी खा जाते हैं, उनसे बढ़िया किसी और को दे दे, वो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ, कोई भी दे दे, आपने उसको प्रेग्नेंट किया, आपने पैदा किया, उसको पैदा करने का सबब बने, तो नाम दीजिए ना उसको। तो ये हम सब ये सोचते हैं, एक कुछ लोग नहीं सोचते, जिन जो लोग नहीं सोचते उनको चाहिए कि किसी, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास औलाद नहीं है, क्योंकि यहीं पे जब हम इनको लाए थे हमसे मांगने बहुत लोग आए लेकिन हमने नहीं दिया, वही चीज़ अगर उन लोग को वो लोग दे दे तो बहुत अच्छी बात होगी, है ना। ये कहते हैं कि इज्जत बड़ी चीज़ होती है, और ऐसे में कौन सी इज्जत, किस तरह की इज्जत? एक इज्जत के नाम पे आपने एक बच्ची को, नवजात शिशु को इस कंडीशन में छोड़ दिया। भाई हम कह भी क्या सके, क्या कहें, हमको समझ में नहीं रहा है, कुछ शब्द नहीं मिल रहा है कि इस नाजुक से फूल सी बच्ची, एकदम सुकुमार सी, जिसको छूने में भी डर लग रहा है, वैसे बच्ची के पैर मरोड़ दिए गए, सड़क किनारे छोड़ दिया गया, कुत्ते आते, स्यार आते, कौन कौन से कीड़े आते, मकोड़े आते, खाते हैं, किसको किस कंडीशन में, इमेजिन नहीं कर पाया कि हम इसको लेके जा के वहाँ पर रख रहे हैं, उस बच्ची का होगा क्या। बड़ी ही दुखद चीज़ है, हमारे समाज किस तरफ जा रहा है। अगर हम प्यार की बात करें तो प्यार की अगर निशानी होगी ये, तो बड़ी ही दयनीय स्थिति है। प्यार जहाँ पे ईश्वर को प्राप्त करने की एक माध्यम को लोग कहते हैं, वहाँ पे इस तरह का घिनौना कृत्य सामने नज़र आ रहा है। शर्म करनी चाहिए ऐसे प्रेमियों को, ऐसे प्यार करने वालों को भी। बड़ा गुस्सा आ रहा है हमको, आपको क्या कहना है आप लोग कमेंट कर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।